के फतेहपुर में पुलिस ने पिछले दिनों हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी समेत उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। विकास यादव के नेता रही पर पिटौरा बाईपास के पास स्थित बैलू बनियाबाग के खाली स्थान में बने शिवाजी शिव जी के मंदिर के पास स्थित कुआं से स्कूली बैग में घटना के समय प्रयुक्त विकास यादव के कपड़े पैंट शर्ट बनियान जो खून आलूदा है तथा जूता बेल्ट व काले रंग का स्टाल दस्ताना तथा आला कतल चाकू खून आलूदा बरामद हुआ। अभियुक्त के नेता रही पर बरामद दस्ताना व चाकू के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि दिनांक 27/4/19 को यह दस्ताना सदर अस्पताल के बाहर सड़क के किनारे फेंका हुआ था। वहां से प्राप्त किया तथा कतलन आला कतलन चाकू भी उसी दिन बाकरगंज चौबलिया से खरीदा था। गिरफ्तार हुआ अभियुक्त गण निशा देवी को विकास यादव ने स्वीकार किया है कि ये कत्ल हमारे द्वारा किया गया। नाम बता दो, विकास यादव और गोविंद यादव पुत्र फूल सिंह यादव निवासी रामगंज पक्का तालाब थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र 25 वर्ष श्रीमती निशा देवी पत्नी जितेंद्र कुमार मृतक उर्फ कल्लू निवासी गढ़ीवा ब्रह्माचला थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र 35 वर्ष बरामद की। अभियुक्त की निशा देवी पर घटना के समय अभियुक्त के कपड़े पैंट शर्ट बनियान खूनों का जूता बेल्ट और काले रंग का घटना इसमें विशेष भूमिका सर्विलांस सेल की है और इन लोगों को 10,000 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से भेजा जाने की घोषणा की है।